हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने हमने जो क्वेश्चंस किए थे प्री आरएमओ 2019 के 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. नाउ इस पार्ट में हम ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है 18 टू 30 डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वेयर बी इज लेस देन ए एंड एंड बी आर मस्ट बी बिटवीन 100 टू 1000 सेटिस्फाइज दिस थिंग. ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करने होते हैं तो पहले जो दो नंबर दिए हैं हम उसे एज्यूम कर लेंगे. लेट द नंबर ए इज के एक्स एंड बी इज के वाई एंड द के इज हेयर इज जी सी डी ऑफ ए एंड बी बिकॉज के इज कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी. तो हम के को जी सी डी बोल रहे हैं और एलसीएम क्या होगा उस रिस्पेक्ट में ए एंड बी का, एलसीएम हो जाएगा के इंटू एक्स इंटू वाई. नाउ हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, जी सी डी एंड एलसीएम का जो रेशियो है वो 1:495 है. तो लेट्स से जी सी डी और एलसीएम का जो रेशियो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/xy और जो उन्होंने दिया है वो है 1/495 यानी एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 495 यानी और एक्स एंड वाई इज ऑल्सो इंटीजर. तो ऑब्वियसली 495 के फैक्टर हम देख लेते हैं जो जिनका प्रोडक्ट 495 होगा. तो 495 के जो प्रोडक्ट आ रहे जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165 एंड 495 इट्सेल्फ. नाउ ऑब्वियसली x और y का प्रोडक्ट अगर 495 होना है तो ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट नंबर चूज करूं और ये लास्ट नंबर चूज करूं तो ये आपका x होगा और ये क्या होने वाला है y. सिमिलरली 495 प्रोडक्ट और कैसे बनेगा अगर आप इसको 3 को चूज करते हैं इस 165 के साथ, तो ये x होगा और ये y होगा. अच्छा, x स्मॉलर क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गिवन इन्फॉर्मेशन है कि b इज ग्रेटर देन a. तो b इज ग्रेटर देन a ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x होने वाला है. तो अब हमें x और y पहले हम फाइंड करना है, हालांकि हमने निकाल लिया, उसके बाद चेक करना है. एक और कंडीशन दिया है a और b का जो वैल्यू है वो 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए. तो एक मैं टेबल बना लेता हूँ. लेट से x अगर 1 है एंड y 495 है तो ऑब्वियसली जो आपकी वैल्यूज है a इज विच इज़ के एक्स तो इट इज़ k हो जाएगा और b था आपका के वाई तो इट इज़ k इंटू 495. बट एक कंडीशन और है कि a और b का वैल्यू 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो k है दिस शुड बी 100 टू 1000 एंड सिमिलरली b इज ऑल्सो विच इज 495 k इज बिटवीन 100 टू 1000. दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ होनी चाहिए एंड लगा हुआ है क्योंकि a और b की k का वैल्यू एक ही साथ डलेगा, एक ही वैल्यू डलना है. तो जो इसको भी सेटिस्फाई इसको भी सेटिस्फाई वही वैल्यूज होंगी. तो इस फर्स्ट सेट में देखेंगे कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि k का वैल्यू 100 टू 1000 आ रहा है और यहाँ पे जो k का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो खैर ये तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा और ये भी कुछ अप्रॉक्स 2 समथिंग आने वाला है. तो इधर आ रहा है k का वैल्यू 100 से 1000 और ये तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा, तो यानी यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. सिमिलरली x का वैल्यू अगर हम 3 रखें y का वैल्यू 165 रखें तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 3k और ये हो जाएगा 165k. फिर से हम चेक करें, 3 का वैल्यू भी 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए एंड 165k का वैल्यू भी 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए. तो जब हम इसमें वैल्यू चेक करेंगे ये ऑब्वियसली अप्रॉक्स 33.33 है तो ये 33.33 होगा एंड अगर इसको चेक करें तो ऑब्वियसली छोटा वैल्यू और यहाँ पे हम इसको अगर चेक करते हैं तो आई थिंक ये 4, 5, 6 पॉइंट समथिंग होगा. अगेन बी का मैक्सिमम वैल्यू के का 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है और यहाँ पे जो मिनिमम ये 33, तो यहाँ से भी कोई केस पॉसिबल
नहीं हुआ, तो ऐसे ही आपको चेक करना है फिर से. अगर आप एक्स का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, वाई का वैल्यू अगर आप 99 होगा उस केस में, ताकि प्रोडक्ट 495 आए, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 5k और यहाँ पे हो जाएगा 99k. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 5k इज ऑल्सो बिटवीन 100 टू 1000 एंड योर 99k शुड बी बिटवीन ऑब्वियसली 100 टू 1000. यहाँ पे एक बार चेक कर लें तो आ रहा है 20, ये आ रहा है 20 से 200 के बीच में, और ये 1 point something से लेके 10 point something, आई थिंक इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी मैक्सिमम वैल्यू 10 ले रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही 20 है के का, तो यहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. आई थिंक जब नेक्स्ट आप वैल्यू लेंगे, आई थिंक तब सोल्यूशन आने लगेगा. अगर आपने एक्स का वैल्यू 9 लिया, वाई का वैल्यू 9 के कोरस्पॉन्डिंग 55 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9k एंड 55k. तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे 9k का वैल्यू 100 से 1000 एंड 55 का वैल्यू भी 100 से 1000, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आया वो आया आपका यहाँ पे 11 point something आएगा. तो ये 1 point something होगा और यहाँ पे आपका ये 2 point, और यहाँ पे आपका वैल्यू आई थिंक ये 55 के कोरस्पॉन्डिंग ये 18 point something होगा, 18 point, ये आई थिंक 1.8. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ आई थिंक कुछ मैच कर रही हैं. यहाँ पे वैल्यू हो रही 11 से लेके 1 point something और ये कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 18 है. तो यहाँ पे जो एंड सॉल्यूशन निकलेगा अगर के का वैल्यू देखा जाए तो वो 11 point something से लेके 18 point something तक कैलकुलेट होगा. तो अगर आप कैलकुलेट करें के का वैल्यू तो 11 point something से बड़ा बट 18 point something से छोटा, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ से आपके कितने सोल्यूशन आ गए, 7 सोल्यूशन आ गए. ऐसे ही आपको आगे चेक करना है वैल्यूज रख के. तो आगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जब वैल्यूज काउंट करेंगे आप टोटल 30 सोल्यूशंस इसके कैलकुलेट हैं. तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे पर. क्वेश्चन नंबर 19 ना, क्वेश्चन नंबर 19 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, प्रीआरएमओ में आया. जो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड लेट सी इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट ए बी सच दैट ए सी इज टू सी बी इज 6 to 7. ये कह रहा है एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें और ए बी इज अ डायमीटर एंड सी इज अ पॉइंट ऑन इट वेयर इट डिवाइड 6 to 7. तो लेट से हम थोड़ा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं सी पॉइंट, और ये हो गया 6x और ये हो जाएगा आपका 7x सी पॉइंट. लेट डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट डी सी इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी. नाउ डी सी एक परपेंडिकुलर है, तो D is a point on the circle and this line is perpendicular. Let DE is diameter through D. Okay, if अब एक center ले लेते हैं, एक और diameter draw किया जा रहा है DE. तो ये center से draw होगा, let's say इस point को O ले लेते हैं. Now अब question बोल रहा है कि जो triangle XYZ बना है, अच्छा XYZ denotes that area of the triangle XYZ. तो ABD का area और CDE, ABD is ABD जो हो गया आपके लिए वो हो गया ये वाला triangle, यानी इसका area निकालना है, और CDE यानी इसका. तो ठीक है, पहले हम area निकाल लेते हैं ADB का. अच्छा पहले हम ये calculate कर लेते हैं, अगर ये 6 है और ये पूरा 7x है तो जो diameter हो गया AB वो आपका 13x हो गया. That means जो रेडियस हुआ वो कितना हुआ, 13x/2. अगर रेडियस 13x/2 है तो यहाँ पे जो ये सी ओ का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 13x/2 - 6x विच इज x/2. ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको हाफ बेस इंटू हाइट देखते हैं, क्योंकि एक हाइट हमें मिला हुआ है तो हम बेस इंटू हाइट का एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं. तो ए डी बी का अगर एरिया निकालना है, बेस हमारे पास अवेलेबल है विच इज 13x, हाइट जो डी सी है लेट्स इसको हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं वाई, तो एरिया ऑफ
ए डी बी जो जाएगा हाफ, बेस हो गया 13x और हाइट हो गया इसका y. नाउ अब सी डी ई का एरिया जो देखना है, अगर आप ध्यान से देखें कि ऑब्वियसली ये सी ओ जो है वो एज अ मीडियन का रोल प्ले करेगा सी डी ई ट्राइंगल में, एंड मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू इक्वल एरिया. यानी अगर सी डी ई का एरिया चाहिए तो आप सिर्फ सी डी ओ का एरिया निकाल लें और उसका ट्वाइस कर दें. यानी द एरिया ऑफ सी डी ओ इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सी डी ओ. ओके नाउ सी डी ओ का एरिया आप फिर से बेस दिख रहा है और हाइट दिख रहा है, सी ओ हमने जो बेस निकाला था और ये हाइट है, तो वो भी एक्स और वाई की टर्म्स में आ जाएगा. यानी टू टाइम्स हाफ बेस सी ओ विच इज एक्स बाई टू एंड हाइट वाई. तो अगर आप ध्यान से देखें जो रेशियोज हमें फाइंड करना है और दोनों की जो वैल्यूज आ रही है वो एक्स और वाई की टर्म है, तो रेशियो बड़ा इजीली निकल जाएगा. यानी एरिया ए डी बी और सी डी ओ का जो एरिया है का रेशियो जो होगा, अगर आप ध्यान से देखें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ से हाफ हो रहा है, टू आई थिंक 13 यार है. तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 13. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. कंसीडर सेट ई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 11, 12, 13 रिस्पेक्टिवली द रिमाइंडर इन दैट ऑर्डर आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. ओके ओके एंड इन अर्थमेटिक इफ एन इज द लार्जेस्ट नंबर इन ई फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन. ओके ओके ये जो क्वेश्चन था ये प्रीआरएमओ में ये जो क्वेश्चन है इसको बोनस मिला है क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 21. इसका बोनस मिल गया है सभी बच्चों को, आई थिंक 2 मार्क्स बोनस में दिया गया है ये प्रीआरएमओ में. ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. नाउ कंसीडर द सेट ई फॉर एनी पार्टीशन ए कॉमा बी ऑफ ई, बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, कंसीडर नंबर ऑफ बाय एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, लेट एन बी द लार्जेस्ट प्राइम नंबर अमंग दिस नंबर, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन. ओके ये क्वेश्चन है कि एक सेट ई है उसको पार्टीशन करना है दो पार्ट में, दो उसके पार्टीशन करने, एक पार्टीशन ए है एक पार्टीशन बी है, तो और नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. तो पार्टीशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. अगर 5, 6, 7, 8, 9 का पार्टीशन मान लीजिए, एक तो इस टाइप से हो सकता है कि एक नंबर इधर 5 रख दें तो इधर 6, 7, 8, 9, या अगर मैं 6 रख देता तो इधर हो जाता आपका 5, 7, 8, 9, 7, 5, 6, 8, 9, 8, 5, 6, 7, 9, 9, 5, 6, 7, 8. या तो आप ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, या आप पार्टीशन कर सकते हैं 2, 3 में. यानी 5, 6 जो आपके पास नंबर थे वो थे 5, 6, 7, 8, 9. तो पार्टीशन कर सकते हैं या तो 5, 6 इसको ए बोल देते हैं और इसको बी, या फिर आप पार्टीशन होगा इस टाइप से ए बी. 5, 6 अगर इधर है तो इधर हो जाएगा 7, 8, 9. 5, 7 हो सकता है 5, 8, 5, 9. 5, 7 हुआ तो 6, 8, 9. 5, 8 हुआ तो 6, 7, 9. 5, 9 हुआ तो 6, 7, 8. 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 1. देन 6, 7, 6, 8, 6, 9 अगर इधर रखा तो 5, 8, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 8. यहाँ पे पार्टीशन हो सकता है 7, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 7, 9 या 8, 9. 7, 8 रखा तो 5, 6, 5, 6, 9, 7, 9 रखा तो 5, 6, 8, 5, 6, 7. नाउ जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी ये सेट्स बने, नाउ एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट है, यानी हमें प्रोडक्ट करना है पहले एलिमेंट ए का और एलिमेंट बी का. जब उन दोनों का सम करेंगे, लेट एन बी द लार्जेस्ट नंबर अमंग, तो एक प्राइम नंबर बनना चाहिए, और जो प्राइम नंबर बनेगा उसका हमें
सम ऑफ द डिजिट्स लिखना है उसका. नाउ अगर आप ध्यान से देखें, ज़्यादातर प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हैं इन सेट्स को, तो ऑब्वियसली ये वाले सेट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन नंबर. अगर ऐड प्रोडक्ट करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा, और उसको ऐड करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा, एंड विच इज़ नॉट प्राइम, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ एक टू है जो प्राइम है, उसके अलावा कोई नहीं. तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे जहाँ पे भी दो, यानी ये एट भी कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, उसी के साथ ये नाइन वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये थ्री का मल्टीपल है और यहाँ पे भी सिक्स है, तो ये भी थ्री का मल्टीपल होगा, यानी एक मल्टीपल तो थ्री आ गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होने वाला, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया. ना इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम चेक करेंगे, अगर इधर भी इवन नंबर है, इधर भी इवन नंबर है, तो ऐड करके एक इवन बनेगा, यानी प्राइम नहीं होगा, तो आई थिंक ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर थ्री का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि इधर सिक्स है, इधर नाइन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सेम इधर भी सिक्स है, नाइन, सिक्स है, नाइन, कैंसिल आउट हो जाएगा. आई थिंक ये इवन नंबर हो गया, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इवन नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे थ्री का मल्टीपल है दोनों तरफ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. आई थिंक यहाँ पे भी थ्री का मल्टीपल, तो आपके पास नंबर जो बचे वो तो आपके पास यही बचे, यानी यहीं पे हमें बस चेक करना है इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट करके, सम करके, कि ये नंबर क्या आता है. तो जब हम इसका करेंगे, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 3029 एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 13. तो आई थिंक ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा. फिर जब आप इसका करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट आ रहा है, ये 2167 के हो रहा है, और ये आई थिंक डिविजिबल है आपका 11 से, 11 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा. यानी सिर्फ यही बचा, आई थिंक यही प्राइम नंबर होना चाहिए. जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 467 एंड विच इज़ योर प्राइम नंबर. तो इसका सम जब आप करेंगे, तो सम होगा 4 + 6 + 7 विच इज़ 17. तो ये आपका आंसर होगा. तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, 46. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. नाउ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द सम 1/√n? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला इसके लिए नहीं है कि आप इसका सम निकाल दें, तो इसमें कुछ एनालिसिस वर्क करना पड़ेगा आपको. तो जो ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप से होना है कि 1/√n जो है, अगर आप इसमें सिग्मा का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, तो वैल्यूज़ इसका नहीं निकलेगा. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इससे एक बड़ा और एक इससे एक छोटा फंक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे ये इजीली हो जाए. और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक रहेगा कि अगर आपने सिक्वेंस सीरीज़ पढ़ा होगा चैप्टर, तो ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है टेलीस्कोपिक सीरीज़ से. लेकिन उससे पहले इसका रैशनलाइजेशन होना पड़ेगा, तो हमें एक नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इससे एक बड़े और इससे छोटा हो, ताकि हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज़ रन कर सके. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा, अब नीचे जो 2√n आ गया, हम उसको √n लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन है इस टाइप से. अब मैं इससे एक बड़ा फंक्शन और एक छोटा फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई थिंक अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे √n में, या √n एज इट इज़ रखते हैं, अगर इस पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी. तो यानी मैं इसको √n-1 लिख देता हूँ. और इससे अगर मुझे एक छोटा फंक्शन ढूंढना है, तो मैं एक में वैल्यू इसमें बढ़ा देता हूँ, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इससे छोटा वैल्यू आएगा. नाउ ऑब्वियसली अगर आपको इसका सिग्मा निकालना है, तो इसके इंटरवल के बीच में हम वैल्यूज़ इसकी लाई करेगी. तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं. हाँ, अब थोड़ा और ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी हमें बिल्कुल ही लीस्ट चाहिए, तो मैं जो इसकी वैल्यू है वो एन का वैल्यू ना, अगर आप 1 रखेंगे, तो आप देख एन का वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू 1 आएगा. तो वो 1 मैं बाद में ऐड कर दूंगा ओवरऑल तीनों में. तो मैं अभी फ़िलहाल जो वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ एन का वैल्यू 2 से. मैं इसको यही लिख लेता हूँ. तो सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 2 to 1599, इसका मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ. तो रैशनलाइजेशन करके जो वैल्यू आएगा, आई थिंक वो ये आएगा. और इसका भी रैशनलाइजेशन करके अगर वैल्यू लिखते हैं, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा √n-√n+1. ना ऑब्वियसली अब इसमें अगर इसका सिग्मा ओपन करते हैं, अगर इस वाले का सिग्मा ओपन करते हैं, तो n का वैल्यू अगर 2 रखा, तो ये आएगा आपका √2-√3 प्लस 3 वैल्यू रखा, तो √3-√4. देखेंगे आप ये कैंसिल आउट होने लगेगा, और लास्ट जो टर्म बचेंगी वो 1599-1600. तो अगर आप ध्यान से देखें, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, वो ये वाली कैंसिल आउट हो रही है,
यानी लास्ट में जो वैल्यू बचेगी आपकी वो माइनस वाली बचने वाली, यानी ये सारी कैंसिल आउट होंगी, यानी वैल्यू जो बच रहा है आपके पास प्लस का होगा 59 माइनस 1600। अगर 2 से वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे आ गया √2 - √3, √3 - √4। नाउ लास्ट वैल्यू 159 माइनस, ओके ओके कैंसिल आउट ये होगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी आपके पास जो वैल्यू बचेगा प्लस में 1599 प्लस का √2। और जो अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसमें आएगा आपका वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे क्या आया 2 - √2 - 1 प्लस 3 रखा √3 - √2, ये कैरी फॉरवर्ड होगा 159 अगर मैंने रखा तो ये आएगा 1599 - 1598। तो इसमें जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, अगर ये वैल्यू कैंसिल है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कौन सी कैंसिल आउट होगी, √2 - √3 + √3 - √4, तो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है आई थिंक √1599 - √1660, तो आई थिंक ये वैल्यू एक्चुअली ये वाली वैल्यू बच रही है -1600, क्योंकि अगर चार वैल्यूज लेते हैं तो लास्ट वैल्यू बच रही है, बीच वाली कैंसिल आउट हो रही है, 1599 पहले आया होगा, यानी जो वैल्यू बच रही है आपकी बच रही है √2 - मैं इसको √10 + 1 - √10 लिखते हैं, वरना वो माइनस भी एक नीचे आ रहा था एक्चुअली, तो ये होगा √10 + 1 - √10, वो ये वाली वैल्यूज होंगी, यानी ये -√2 + इस टाइप से चल रहा होगा, यानी जो वैल्यू बचेगी इसकी बचेगी 1600 - √2। ठीक है, जब आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे वो देख लेना आप, ये माइनस एक नीचे बच रहा होगा अगर उसको ऐसे लेते हैं, तो ये √10 + 1 - √10 हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसका वैल्यू मैं कुछ टी ले लेता हूँ फिलहाल। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा ये बच रहा है √1599 - 1, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा आपका 40 - √2, तो आई थिंक 40 - √2, तो ये वैल्यू आपका ना कुछ कैलकुलेट करके देखिएगा 77.17 आ रहा, और ये वाला जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका वैल्यू 77.97। ना हमें जो वैल्यू चाहिए था वो एन इक्वल टू 1 से चाहिए था, अब मैं सब में 1 ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1 ऐड करूँ तो ये वैल्यू आ रहा है 78.17 से लेके 78.97, यानी इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 78 point something है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे आप तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 78, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें 78। तो ये सॉल्यूशन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 23rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd, एबीसीडी इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, सपोज पी इज अ पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एबीसीडी इज अ लीस्ट इफ, और ये डिस्टेंस दे रखे, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी एक क्वाड्रिलेटरल हम फॉर्म कर देते हैं, पी इज अ पॉइंट विच इज लीस्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स ए बी सी डी। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल में चीजें देखी होंगी या क्लास 9 में क्वेश्चन होता है कि अगर लीस्ट जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ डिस्टेंस वो इनके बिल्कुल ही जिस पे इंटरसेक्शन कर रही होंगी डायगोनल, उस पॉइंट को आप पी लेंगे तो वही इनका जो सम होगा वो लीस्ट होगा, ये बाय इनइक्वालिटी आप कर सकते हैं जज। नाउ तो क्वेश्चन उसके बाद है कि पी ए आपको दे रखा है 3, पी ए 3 नहीं दिया है, पी ए पी बी पी सी पी डी की जो वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली नहीं बोली, यानी कोई भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये वैल्यूज हैं 3, 4, 6, 8, तो इसमें मैक्सिमम एरिया निकालना है ए बी सी डी का। ओके तो इसमें हम एंगल मान लेते हैं कि एरिया निकालना, लेट्स से ये थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा लेते हैं, तो ये आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी आई थिंक पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू आप ये पी। तो अगर आप एरिया निकालेंगे
एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देखना है, वो आई थिंक ये जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं इनका सम है. और ट्राइंगल का एक एरिया आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको ये लेंथ दे रखी है तो एक फॉर्मूला आता है हाफ, अगर मैं इसको ए पी इंटू पी बी इंटू साइन थीटा, ये एक एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए पी इंटू पी बी, आई थिंक ऐसे सब में लग जाएगा, प्लस हाफ पी बी इंटू पी सी और द इंक्लूडेड एंगल पी बी इंटू पी सी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेम साइन थीटा. सेम ऐसे हाफ पी सी इंटू पी डी साइन थीटा हो जाएगा, प्लस हाफ पी डी इंटू पी ए, पी डी इंटू पी ए भी क्या हो जाएगा साइन थीटा. तो अगर आप देखें हाफ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ और साइन थीटा भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है ए पी इंटू पी बी, यानी ये सारे डिस्टेंस जो आपको दे रखा था उनका प्रोडक्ट देख रहा है. तो अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियसली जो भी ये प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा वही आपका आंसर होगा. तो अगर आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर, तो जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा साइन ये आएगा 55 साइन थीटा. और जो मैक्सिमम एरिया करना है तो साइन थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा विच इज़ 1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसमें 55 अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए तो आंसर हो जाएगा इस केस में 55. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पीएनसी का क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है. डिवाइडेड इनटू एन पार्ट, ईच स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर रेड और ब्लू, एफ एन बी द नंबर ऑफ कलरिंग ऑफ द रेक्टेंगल इन विच देयर आर इवन नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक है. नाउ क्वेश्चन में ये है कि एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, उसका लेंथ 1 है और आप उसके ब्रेड को कट कर रहे हो 1-1 यूनिट के और ये टोटल n है, तो ये स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं 1-1 यूनिट के. एंड ईच स्क्वायर को जो कलर कराया जा रहा है वो किया जा रहा है रेड ब्लू और ग्रीन, तो आपको बताना है कि एफ ऑफ एन इज द नंबर ऑफ कलरिंग ऑफ द रेक्टेंगल विच दे आर इवन नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर कैन बी अ जीरो, यानी जीरो को भी आप इवन नंबर काउंट करेंगे. तो हम इसमें करते हैं कि अगर मैंने एक भी रेड नहीं किया फॉर जीरो रेड, तो आई थिंक सब स्क्वायर के पास ऑप्शन है कि या तो उसमें ब्लू कलर होगा या फिर ग्रीन कलर होगा, तो आई थिंक 2 × 2 × 2, तो यानी टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे 2n. एंड फॉर टू रेड, अगर दो रेड होंगे तो वो दो रेड कहाँ होंगे ये हमें चूज़ करना पड़ेगा. टोटल n पोजीशन है, लेट से n में से किन्हीं भी दो पोजीशन पर रेड कर देते हैं, तो बाकी जो पोजीशन बची n माइनस 2 उन सब पे क्या आना है, रेड आना, ब्लू आना या ग्रीन आना, तो कॉम्बिनेशन हर किसी बार 2-2 ऑप्शन है फिर से, तो हो जाएगा 2n माइनस 2. और सिमिलरली फॉर रेड, अगर चार जगह कहीं रेड है तो पहले वो चार पोजीशन चेक करनी पड़ेगी और बाकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं ब्लू और ग्रीन, तो इस टाइप से ये होता रहेगा. तो आपको जो वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 9, तो एफ ऑफ 9 कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आएगा, एन का वैल्यू अगर मैं 9 रख देता हूँ तो 9 में से या प्लस 9c2 × 2⁷, किन्हीं दो जगह होगा, या 9c4 × 2⁵ प्लस 9c2⁴, 2³ प्लस या किन्हीं 8 जगहों पे रेड होगा और बाकी एक ही जगह पे ऑब्वियसली आपका ब्लू या ग्रीन हो सकता है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे एफ ऑफ 9 के. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया, अगर आप ये जो बाइनोमियल की एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये मिलता है, ये 2 + 1⁹ मैं आई थिंक ऐड करेंगे 2 − 1⁹ होल डिवाइड बाई 2, तो ये इवन जो कोफिशेंट्स हैं उनका सम आता है, तो ये वैल्यू आई थिंक ये आ जाएगी आपकी 3⁹ + 1/2 विच इज 9842. एंड सिमिलरली वो और कुछ कहने एफ ऑफ 3 भी काउंट करें, एफ ऑफ 3 ईजी हो जाएगा क्योंकि पहला आ जाएगा कि अगर एक भी जगह रेड नहीं है तो 2³ हो जाएगा, प्लस 3 में से ऑब्वियसली दो जगह रेड है बाकी एक जगह ब्लू और ग्रीन आएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 + 6 ये 14 हो जाएगा. एंड क्वेश्चन में जो आस्क कर रहा है वो कह रहा है एफ ऑफ 9 / एफ ऑफ 3 कितना होगा,
तो एफ ऑफ 9 अपॉन एफ ऑफ 3 जो आपका जो वैल्यू आ रहा है 9848 अपॉन 14 से डिवाइड करोगे आ रहा वैल्यू 703, और जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ रहा 19 × 37। वो क्वेश्चन में पूछा लार्जेस्ट प्राइम, तो आंसर कितना हो जाएगा 37, विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा 37। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेज हैज अ सर्कुलर वॉल Now, village has a circular wall around it. The wall has four gates pointing north, south, east, west, and a tree outside the village 16 meter north of the north gate, and it can be just seen appearing on the horizon from 40 meter east of south gate. What is the diameter in meter of the wall that surround the village? Now, question is, ek circle banate. Ek circle humne form kiya. एक ट्री है जो आउटसाइड द विलेज है 16 मीटर ऑफ नॉर्थ गेट, मान लो ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट, साउथ, वेस्ट, एंड तो नॉर्थ पे ये आपका जो लेंथ दे रखा है आपको 16 मीटर। अब यहाँ से साउथ का ईस्ट में अगर हम मूव करते हैं 48 मीटर, तो ये जस्ट उसको देख पा रहा है उसका होरिजन, जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि 60 मीटर इट जस्ट बी सीन अपीयरिंग ऑन द होरिजन फ्रॉम अ 48 मीटर ऑफ द साउथ गेट, यानी 48 मीटर अब जब हम इधर चलेंगे यहाँ से वो ट्री आपको दिख रहा है जस्ट एज अ होरिजन, यानी यहाँ पे वो अलोंग द टेंजेंट वो आपको दिख रहा है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो आपसे जो वैल्यू पूछी गई यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, तो मान लीजिए ये इसका रेडियस है, तो आपसे इसका वो आई थिंक डायमीटर यानी रेडियस पूछ रहा है, तो हम रेडियस निकालते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा देखें तो अगर ये 48 लेंथ है तो ये भी 48 ही होगा, एंड इस लेंथ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर यहाँ से मैं ये पॉइंट ज्वाइन करूँ ये भी 90 होगा। तो इसको लेट से मैं एक्स ले लेता हूँ। नाउ अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं, तो पाइथागोरस एक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री सामने, ये 16+r हो गया, यानी 16+r² = हो जाएगा आपका, ये भी r है, तो दिस r² + x², ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड द सेकेंड इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें, ये भी एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं 90 डिग्री के अपोजिट, यानी 48+x² ये हो जाएगा 48² प्लस ये हो जाएगा 2r + 16² आई थिंक दो इक्वेशन दो अननोन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की इक्वेशन लग रही है, तो इसको सॉल्व करना, अच्छा एक सेकेंड, तीन अननोन हो गए आपके, r नहीं ठीक है दो ही अननोन है r एंड x, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं थोड़ी सी एक दो इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में आपको सिमिलैरिटी भी दिखनी चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल यही है। लेट से अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो कौन से अगर मैं इसको नाम देता हूँ COD AB, तो कोई दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, कौन कौन से, अगर मैं COD लूँ तो COD जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा COD, D के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्या आने वाला है A, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में सी के लिए सी ई हो गया, तो ये CBA ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, तो CO अपॉन CB होगा, CD अपॉन CA होगा, और OD अपॉन BA होगा। CO का वैल्यू हो गया आपके पास 16+r, CB का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 48+x, CD X एंड CA हो गया आपका 16+2r, OD आपके लिए R, एंड BA हो गया 48। तो आई थिंक इसका भी आप यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, और ये भी आपके पास दो इक्वेशन है, फिर इसको सॉल्व करना है। थोड़ा मुझे इसमें और इसमें थोड़ा सा
कॉमन चीज़ें लग रही है, 16 प्लस आर भी है, आर 48। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, अगर कुछ इक्वेशन वन को सॉल्व किया तो आई थिंक ये आएगा 256 प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab यानी 32r प्लस, ठीक है इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये फर्स्ट इक्वेशन से आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व कर, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ से क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 प्लस आर और 2 से यहाँ पे, तो यानी एक्स अपॉन 8 प्लस आर और यहाँ से 2 अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो गया 24 नाउ। और यहाँ पे भी अगर मैं 32 कॉमन लेता हूँ तो आई थिंक वो 8 प्लस आर ही बनेगा, यानी 32 कॉमन लिया तो 8 प्लस आर ही बन रहा है ये भी। तो ऑब्वियसली हमें आर चाहिए तो एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर 8 प्लस आर का भी स्क्वायर एंड अपॉन 24 स्क्वायर। तो अगर देखेंगे आपसे 8 प्लस आर से एक 8 प्लस आर गया और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो मतलब इस टाइप से आ रहा है, आर इंटू 8 प्लस आर जो आ रहा है वो आ रहा है 24 स्क्वायर इंटू 32। तो आई थिंक अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, 24 का स्क्वायर यानी आर का वैल्यू अगर 24 रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 32 हो रहा है, तो यानी आर का वैल्यू कितना आ गया इसमें 24, ठीक है, यानी डायमीटर हो जाएगा इसका 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ना क्वेश्चन नंबर 26, एक्स वाई प्लस जेड 160 दे रहा, कंप्यूट द पॉसिबल वैल्यूज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई जेड। आई थिंक ये हिट एंड ट्रायल्स से भी हम कोशिश कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और कुछ इक्वेशन सिमिलर सा दे रखा है, यानी इस टाइप से हम इसमें मूव करते हैं। अच्छा, वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट तभी आएगा जब वाई और जेड का वैल्यू भी मिनिमम हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आ रहा है तो वो मिनिमम होना चाहिए और एक्स का भी कुछ मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, जिससे सम इसका स्मॉलेस्ट आएगा। तो इसको थोड़ा कंसिडर करके, और जो गिवन है हमें गिवन है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 160, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि वैल्यूज़ एनालिसिस कर सकते हैं। लेट से जेड का वैल्यू अगर 1 होता तो एक्स वाई का वैल्यू जो होता, एक्स वाई का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे जेड का वैल्यू लिख लेते हैं, इफ जेड 1 तो एक्स वाई जो आपका होगा वो 159 होता। तो 159 की अगर देखें कि एक्स और वाई की वैल्यू, ऑब्वियसली इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो इसके फैक्टर होने चाहिए, बट आई थिंक 159 के फैक्टर 3 होगा, 3 × 53 हो जाएगा। तो अब मैं वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए, एक्स प्लस वाई जेड, तो ऑब्वियसली वाई और जेड का वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं वाई किसको कंसिडर करूँ, वाई 3 को ले लेता हूँ, या कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। जेड 1 है तो वाई 3 होता और x 53 होता, वो एक ही बात होती है, 3 प्लस 53 आई थिंक ये जो सम आता है ये होता 56। और देख लेते हैं z का वैल्यू अगर 2 होता तो एक्स वाई का वैल्यू आपके पास आता 158, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 × 79, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ x और y, तो ऑब्वियसली y को अगर मैं मिनिमम लूँ, ऑब्वियसली वाई को मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि वाई इंटू अगर जेड कर दिया तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। वाई को अगर मैं ये लेता हूँ तो 2 × 2 = 4, तो एक्स ही हो जाएगा, तो 4 + 79, तो ये कितना हो जाएगा आपका 83, तो आई थिंक ये तो बड़ा हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही रूल्ड आउट हो गया। ऐसे ही आप 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे हो रहा है 157 के फैक्टर, आई थिंक ये प्राइम नंबर है तो ये तो 1 × 157 हुआ, तो ये भी आई थिंक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 4 पुट करा तो ये 156 के फैक्टर आ जाएंगे आपके 12 × 13, आई थिंक ये फैक्टर थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं क्योंकि मिड में आ रहे हैं दोनों वैल्यूज़, 12 × 13, या तो 12 × 13 भी हो सकता है या फिर 26 × 2 भी ले सकते हैं। जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो आई थिंक एक्स का वैल्यू 26 रखा, जेड का वैल्यू अगर मैंने वाई रखा तो ये हो जाएगा आपका 26 × 6 हो गए। तो अगर इसका वैल्यू ये वाई रखा और ये एक्स रखा तो इस केस में वैल्यू आया 24 + 26 यानी 50, यानी अभी तक का ये लीस्ट है, तो आगे भी अगर आप चेक करेंगे तो यही आई थिंक लीस्ट वैल्यू आपके लिए आएगा।
आप आगे देखते रहेंगे क्योंकि जेड बढ़ता जा रहा है, और जेड बढ़ेगा तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमें तो जेड लीस्ट चाहिए था. तो आई थिंक आप थोड़ी वैल्यू और पुट करेंगे तो यही आपको लीस्ट वैल्यू दिखेगा, जो एक्स वाई एक्स प्लस वाई जेड का लीस्ट वैल्यू है 50. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है, पीएनसी का. नाउ वी विल से दैट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड विद नो फिक्स लेटर इफ द रीअरेंजमेंट प्लेस डायरेक्टली बिलो द वर्ड नो कॉलम हैज द सेम लेटर रिपीटेड फॉर्म्स द इंस्टेट इज अ रीअरेंजमेंट विद नो फिक्स लेटर. आई थिंक ये एक डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला है आपके पास, उसको हम यूज करेंगे इसमें. कि जैसे डीअरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स अगर करना हो तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल अप टू माइनस 1 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. डी अरेंजमेंट ये कह रहा है कि जो भी लेटर है वो अपनी सही पोजीशन पे फिर से ना आए, यानी जो लेटर था भारत, अगर इसको हम थोड़ा इस टाइप से करते हैं कि इसको मैं A1 और A2 ले लेते हैं, क्योंकि डीअरेंजमेंट करना है यानी बी अपनी फिर से जब हम इसका रीअरेंज करें तो बी बी की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, बी बाकी कहीं भी हो सकता है, बाकी सब ठीक है. बट A1 और A2 में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर A1 यहाँ चला गया A2 है वो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी. यानी डीअरेंजमेंट का अगर हम टोटल एक बार कैलकुलेट करते, अगर ये इफ़ A1 और A2 आर डिफरेंट लेते तो टोटल आता D9 डीअरेंजमेंट ऑफ 9 थिंग्स, तो वो आता 265. बट प्रॉब्लम क्या आ गया कि अगर A2 A1 की जगह आ गया तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो तो सेम हुआ क्योंकि वो है तो सेम लेटर, A ही है वो. तो आई थिंक वो हमें चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, ये तो 265 में से. तो हमें एलिमिनेट क्या क्या करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट हमें करना पड़ेगा आपको, अगर एक चीज़ तो हमें ये एलिमिनेट करनी है कि A2 अगर यहाँ आ गया, खैर A1 तो आ ही नहीं सकता, डीअरेंजमेंट हो रहा है, A1 तो A1 की पोजिशन भी नहीं आ सकता, बट ये हो सकता है कि A2 यहाँ आ गया. A2 अगर यहाँ हो गया तो बाकी हमें डीअरेंज कितना करना है, 5 करना है. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि A1 इधर आ जाए तो भी हमें डीअरेंज कितना करना पड़ेगा, 5. D5 हो गया आपके लिए 44. नाउ एक और ये भी हो सकता है कि A1 A2 इधर है और A1 इधर है, तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, यानी डी अरेंजमेंट कितना बढ़ना पड़ेगा, 4. ये हो जाएगा आपके लिए 9. यानी ये टोटल केसेस हो जाएंगे जिसमें अगर, क्योंकि ये सेम केस होगा, ये हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे. लेकिन हाँ ठीक है, तो ये टोटल केसेस कितने हो गए, 265, और इनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो ये आई थिंक हो जाएगा 17, आई थिंक ये 107 हो जाएगा, 97 हो जाएगा ये. तो हाँ, तो 265 में से अगर 97 केसेस एलिमिनेट करें तो 265 माइनस 97 अगर मैंने किया तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 168. लेकिन इसमें से और भी केसेस, आई थिंक कुछ केसेस रिपीट हो गए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि हमने वाले केसेस एलिमिनेट किए हैं जहाँ पे A1 की जगह A2 आ गया, A2 जगह A1 आ गया, या दोनों केसेस हो गए. बट इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि BHA1RA2T कि A2 मान लीजिए यहाँ पे है और A1 यहाँ पे है, B यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, R यहाँ होना पड़ेगा, एच यहाँ ले लेते हैं, टी यहाँ ले लेते हैं. लेकिन अभी देख लीजिए आप, कोई भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, बी के नीचे टी है, एच के नीचे A2, A1 के नीचे बी, आर के नीचे A1, A2 के नीचे एच, टी के नीचे आर. तो ये ऑब्वियसली इन कॉम्बिनेशंस में आ चुका होगा, 168 में ये कॉम्बिनेशन रहा होगा. बट अगर ये कॉम्बिनेशन रहा होगा तो ये भी रहा होगा कि A2 मतलब अगर एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मैं A1 यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे A2 रख देता हूँ, बाकी सब सेम रखता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे कि ये केस तो फिर से रिपीट ही हो गया क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो वो A ही है. ऑल्दो A1 A2 अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, कोई भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं है,
और जो केसेस में इंक्लूड हो रहे थे, बट ये केसेस डबल हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा, 168/2 यानी 84, क्योंकि ये केसेस रिपीट हो रहे होंगे. तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में 84. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइंगल एबीसी दिया है आपको और साइड्स 51, 52, 53, एक इन सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं और एक इन सर्कल. फिर उसने बोला एक टेंजेंस ड्रॉन की जा रही है इस सर्कल से विच पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एबीसी. यानी अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ किया. तो ये भी एक ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो गए फिर से. तो इनका भी नेम लिख देते ए बी सी, लेट्स से डी ई, डी ई एफ जी एच आई. और इसका जो इन रेडियस ये आर हो गया. अच्छा, यहाँ भी एक सर्कल्स बनाए जा रहे हैं. लेट्स से इनका आर वन ले लेते हैं रेडियस, आर टू, आर थ्री. नाउ क्वेश्चन है कि जो इन रेडियस बनाए थ्री कॉर्नर पे, सो फॉर्म द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड आर. यानी हमें आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री चाहिए. नाउ क्वेश्चन कैसे मूव किया, जैसे आपने ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ये इन रेडियस और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो कहीं ना कहीं आर वन और आर में एक रिलेशन आएगा. क्यों? क्योंकि ये ए डी ई जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो चुका होगा ए बी सी के. तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो जो इनका इन रेडियस का रेशियो होगा वही इनके हाइट का रेशियो होगा, वही इनके साइड्स का रेशियो होगा, वही इनके सेमी पेरीमीटर का रेशियो होगा. तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. हमें रेडियस चाहिए वैसे, और एक ठीक है, रेडियस का जो रेशियो है वो आर वन अपॉन आर हो गया, और जो रेडियस का रेशियो होगा वही इसके एरिया का भी रेशियो होने वाला है. तो एरिया का रेशियो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एक हाइट बनाना पड़ेगा, यानी यहीं से हम एक ड्रॉ कर देते हैं. ये टोटल हाइट हम एच ले लेते हैं. तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इसमें हो जाएगा आपका. अच्छा, जो रेडियस का रेशियो होगा सिमिलर ट्राइंगल में वही इनके हाइट का रेशियो होगा. तो हाइट इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें, एच में से अगर मैं ये टू आर कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये हाइट हो जाएगी इसकी. तो जो इनके इन रेडियस का रेशियो होगा वो इसके हाइट का रेशियो होगा, यानी h माइनस टू आर अपॉन h वो इसका रेशियो हो जाएगा. इसको हम कैलकुलेट करते तो हो जाएगा 1 माइनस टू आर अपॉन h. तो 1 माइनस टू आर अपॉन h का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस, ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू आर एस, वेर एस इज सेमी पेरीमीटर, और डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ. अगर मैं इसकी लेंथ ए ले लेता हूँ, ये लेंथ बी ले लेते हैं और ये वाली लेंथ सी ले लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट आर इंटू एस. तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, टू आर बाई एच की वैल्यू आ जाएगी, टू आर बाई एच की वैल्यू हो जाएगी ए बाई एस, यानी आ जाएगा 1 माइनस ए बाई एस. सिमिलरली ये बाकी ट्राइंगल्स में भी जब आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी कुछ सिमिलर ऐसे रेशो आएगा, यानी आर टू अपॉन आर आ जाएगा आपका 1 माइनस आर टू का है यहाँ, तो 1 माइनस बी बाई एस आ जाएगा, एंड आर थ्री अपॉन आर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस सी बाई एस. तो जब आप इनको सबको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, आर वन प्लस आर टू बाई आर थ्री, वो आ जाएगा आपका 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई एस. और ये थ्री, ये कितना वैल्यू होता है, ये टू होता है, सही पैरामीटर है, थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, यानी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का वैल्यू कितना हो गया, आर,
यानी आप सिर्फ आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही आंसर हो जाएगा ना। अब आर कैसे कैलकुलेट होगा, आर ऑब्वियसली हमें एरिया तीनों साइड दे रखी तो एरिया निकल जाएगा, और सेमी पेरीमीटर भी हमें पता है तो ट्राइंगल का एरिया भी निकल जाएगा। जो ट्राइंगल का यानी डेल्टा इक्वल टू आर एस से आप निकाल लेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आप हीरोन्स फार्मूला लगा के निकालेंगे तो जो आर का वैल्यू आता है वो आ जाएगा, आई थिंक जो आप हीरोन्स फार्मूला लगा के निकालेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 15। तो ये आंसर कितना हो गया इसमें, 15। हीरोन्स फार्मूला लगा था क्योंकि तीनों साइड्स पता ही हैं, तो ये तो सबसे पहले काम करना चाहिए था कि तीनों साइड्स पता है तो एरिया हमें नॉन है, और एरिया नॉन है सेमी पेरीमीटर तो इन रेडियस, तो इसका तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो वो आ गया आपका 15। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ना क्वेश्चन नंबर 29 इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी मीडियन है और बी एंगल बाय सेक्टर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, फिर ए डी इज मीडियन एंड दिस बी ई एंगल बाय सेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है इसके, यानी एंगल बाय सेक्टर भी और ये लाइन परपेंडिकुलर भी है। ए डी आपको दे रखा है 7, AD का वैल्यू आपको 7 दे रखा है, BE जो दे रखा है ये 9 दे रखा है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन एक क्लास 9th की बुक में भी है कि जब भी इस टाइप का कोई सिचुएशन दे रखा हो, D इज मिड पॉइंट, तो यहाँ से हम एक BE के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेट्स से A B C D E F। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इस इन ट्राइंगल BEC, if d is midpoint and df parallel to be, then according to converse of midpoint theorem f is also a midpoint, this implies ef equal to kitna ho jayega fc, yani ye value kitni ho jayegi iske, let's say isko m x assume kar lete hain। now fir se similarly in triangle agar main is triangle mein baat karu, acha अब ये जो पॉइंट होगा लेट से ए बी सी डी एफ, इसको जी ले लेते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये एंगल बाय सेक्टर है लेट से एक्स एक्स है, तो अच्छा एंगल बाय सेक्टर भी और 90 डिग्री भी है, तो ऑब्वियसली ये तो तभी हो सकता है जब ये क्या हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर भी है और तो ये वाले ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और अगर ये भी मिड पॉइंट है और ये लाइन इस पैरेलल है तो ये एक्स, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी कितना एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए जी ई और सॉरी ए डी एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, तो ये एक्स ये तीनों एक्स होगा। नाउ अब आगे चलते हैं, इसमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ना ए बी सी का एरिया निकालने के बजाय निकालने से पहले हम ए डी सी का निकाल दें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था कि ए डी अगर मीडियन है तो मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू इक्वल एरियाज, तो ऑब्वियसली अगर हम ए डी सी का निकाल लूँगा तो उसका डबल कर देंगे तो ए बी सी का आ जाएगा, तो ए डी सी का निकालते हैं। ना ए डी सी का भी निकालना है तो उससे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल का निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 है और ये पूरी लेंथ 7 था तो ये 7/2 हो गया। अच्छा एक और मिड पॉइंट थ्योरम में अगर ये पूरा लेंथ 9 था तो ये कितना हो जाता है 9/2 हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इस वाले ट्राइंगल में क्या अगर ये 9/2 है तो ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ये भी क्योंकि ये भी इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ हो जाएगा तो ये 9/4 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 49/4 प्लस 81/16। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 277 होल डिवाइड बाय 4। अच्छा अभी हमने फिर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का एरिया जो आ जाएगा हाफ ए डी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, और आई थिंक आपको ए डी भी पता है, ए डी का लेंथ 7 है, ए सी का लेंथ ऑब्वियसली ए सी 3 times of रूट 277/4, और जो साइन थीटा आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा आपका 9/4 अपॉन दिस, यानी 9/4 अपॉन रूट
277 बाय 4, तो अगर आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा आपका ADC का एरिया आ जाएगा आपका 189 बाय 8 आई थिंक, 189 बाय 8 आ जाएगा एरिया. ना आपको अगर इसका एरिया पता है 189 बाय 8, अब इसका अगर निकालना तो सिमिलरली इसका भी आ जाएगा, ADF का भी, ADC का एरिया आ गया, बस इसी का तो ट्वाइस करना, ADC का एरिया आ गया तो इसी का जो ट्वाइस होगा ABC का एरिया होगा, ABC का एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 189 बाय 8, वो हो जाएगा आपके लिए 189 बाय 4. और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे नियरेस्ट इंटीजर तक, आई थिंक ये 47 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें 47, क्योंकि ये 47 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर हो जाएगा इसका 47. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 डिनोट द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर कैन बी पार्टीशन थ्री सबसेट विद इक्वल सम, यानी इसको तीन सबसेट्स में डिवाइड करना है, बट तीनों का जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर 1, 2, 3 से लेके n, इसका सम कितना होगा n इंटू एन प्लस 1/2. लेट्स से जो तीन पार्टीशन किए उन तीनों का सम a है, तो ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा. तो n का वैल्यू हो गया n इंटू एन प्लस 1 इज 6 है, यानी n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो 2 तो होगा ही होगा मल्टीपल, और 6 टोटल चाहिए, तो यानी ये 3 के मल्टीपल होगा, यानी n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और n प्लस 1 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 इज 3q. यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर n इज 3q और n प्लस 1 इज 3q, n प्लस 1 प्लस इस 3q means n should be 3q minus 1, और अगर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3q minus 1 का मतलब हो गया आपके लिए अगर प्लस 2, तो 3 के मल्टीपल अब जो नंबर अवेलेबल है वो आपके पास 3 से 100 है, यानी 3 से ऑनवर्ड है, तो 3 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 6 से लेके कितना 99 तक, एंड 3 इंक्लूड इसमें नहीं है n के नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो और बाकी जो आएगा 3q ये हो जाएगा आपका 5 से, यानी ये नंबर हो जाएंगे 5, 8. ठीक, तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये आई थिंक 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये भी 32 आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें 64. तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे. इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट था. तो ये स्टूडेंट हमारा ये PRMO 2019 के सॉल्यूशंस थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे और आपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. Thank you. That's for it.